हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एवेंजर क्रूज 220 ऑयल कूल्ड की क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर की कॉस्ट और पार्ट नंबर बताऊंगा। मैं आपको इनकी पूरी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा एक एक पार्ट की। दोस्तों एवेंजर 220, 160, 150, पल्सर 150, 180, 220 के क्लच के पार्ट्स में चेंजेस होते हैं। इनके पार्ट्स की कॉस्ट भी अलग अलग होती है मॉडल के हिसाब से। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी क्लच प्लेट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा आपकी गाड़ी क्लच प्लेट में कितना खर्चा आ सकता है। दोस्तों मैंने सोचा इस जानकारी को आपके साथ शेयर करना बनता है। अगर इन फ्यूचर आपकी गाड़ी क्लच प्लेट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा आपकी गाड़ी क्लच में कितना खर्चा आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एवेंजर क्रूज 220 ऑयल कूल्ड के क्लच के पार्ट्स को कवर करेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे आपके यूट्यूब पर, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहो। दोस्तों ये एवेंजर क्रूज 220 ऑयल कूल्ड के क्लच का पार्ट्स है। दोस्तों क्लच को फिटिंग करने से पहले आप इसके सारे पार्ट्स अरेंज कर लेना, आप इसके पार्ट्स की कॉस्ट और पार्ट नंबर देख लो। दोस्तों पार्ट्स की कॉस्ट तो चेंज होती रहती है लेकिन पार्ट नंबर सेम रहता है, तो आप देख लो। दोस्तों ये है इसका क्लच हब, इसकी कॉस्ट है 261 रुपये, इसका पार्ट नंबर है DK101564। मैं आपको एक एक पार्ट की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये है इसका क्लच सेंटर, इसकी कॉस्ट है 184 रुपये, इसका पार्ट नंबर है DK101569। ये है इसकी क्लच प्लेट, इसकी कॉस्ट है 1082 रुपये, इसका पार्ट नंबर है DJ101369। इसमें टोटल 6 प्लेट होती हैं। दोस्तों पल्सर 150 क्लच प्लेट की कॉस्ट 910 रुपये है, उसमें टोटल 5 प्लेट होती हैं। यह है इसकी प्रेशर प्लेट, इसकी कॉस्ट है 43 रुपये एक प्लेट की, इसका पार्ट नंबर है DK101565। इसमें टोटल 5 प्लेट होती हैं। पल्सर 150 में 4 प्लेट होती हैं। दोस्तों ये है इसका क्लच कतार, इसकी कॉस्ट है 220 रुपये, इसका पार्ट नंबर है PD161203। दोस्तों अगर आपको क्लच प्लेट और सीजर गियर की फिटिंग के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने इसकी क्लच की A to Z जानकारी दी है, एक एक पार्ट को कवर किया है, मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाया, तो आप इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट जरूर कर लेना। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। गुड बाय।